ऑलवेज रेडी सर। कल से उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की जो परीक्षाएं हैं उनकी शुरुआत होने जा रही है, कितने कुछ सेंटर बनाए गए हैं, कितने छात्र छात्राएं इस इम्तिहान में बैठने वाले हैं और कितने पालियों में ये एग्जाम होंगे? बड़ी खुशी की बात है कि मदरसा बोर्ड की परीक्षा मदरसा बोर्ड के कायम होने के बाद से लेकर अब तक पहली बार इतनी जल्दी इतने समय से इम्तिहान होने जा रहा है और पहली बार माध्यमिक शिक्षा परिषद के इम्तिहान से पहले मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का होना जा रहा है। कुल पूरे उत्तर प्रदेश में 509 केंद्र बनाए गए हैं और 141,115 बच्चे जो हैं परीक्षाएं देने जा रहे हैं। परीक्षाएं कुल 6 दिन चलेंगी और प्रत्येक दिन जो है दो दो पाली में इम्तिहान होगा। पहली पाली सुबह 8 से 11 बजे का, दूसरी पाली 2 बजे से 5 बजे तक का। पूरी हमारी तैयारी है परीक्षाओं को लेकर के, वेब पोस्टिंग जरिए यहाँ से निगरानी होगी, उसके अलावा CCTV कैमरे और सारी सुविधाएं वहाँ पे मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं परीक्षा केंद्रों पे। हर कमरे की निगरानी, हर कमरे में CCTV कैमरा लगा होगा और यहाँ से सारी चीज़ें लखनऊ से देखी जा सकती हैं। जैसे आपकी सरकार की मंशा रहती है नकल विहीन परीक्षा, तो उसके लिए तैयारियां मुकम्मल हैं? बिल्कुल, पिछले साल भी हम लोग जो परीक्षा कराई थी, परीक्षा होने में देर हो गई थी, लेकिन परीक्षाएं जब हो रही थी तो दूसरे विभागों के लोग, दूसरे परिषद के लोगों ने भी कहा था कि मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं इतनी व्यवस्थित ढंग से हो रही हैं। हमने इस बार जो है एक नया काम ये किया कि हमने परीक्षाओं को समय से पूर्व ही, इलेक्शन को देखते हुए, रमजान की छुट्टियों को देखते हुए, हमने काफ़ी पहले तय कर लिया और सारे बोर्डों की परीक्षाएं तो फरवरी मार्च में होनी है, लेकिन सबसे पहले परीक्षा मदरसा बोर्ड की होने जा रही है।